अरे चौंप मेरा बर्गर का लेकर जा रहा है मेरा बर्गर मुझे दे दे मेरा बर्गर वापस कर चौंप आओ मैं तो बर्गर नहीं दूंगा निकल यहाँ उसका बर्गर खाने दो नहीं नहीं ये बर्गर तो मैं ही खाऊंगा अरे चौंप छोड़ दे प्लीज मुझे बहुत ही ज्यादा भूख लगी है प्लीज मुझे वो बर्गर दे दे चौंप आओ ये बर्गर तो मैं खाने वाला हूँ आहो आओ मजा आ गया अरे चौंप तू मेरा बर्गर खा लिया मेरा बर्गर अरे फेकी भैया अब रोक रहे हो अब एक नया बर्गर बर्गर खरीद लेना अबे शिंचन मेरे पास एक रुपया भी नहीं है मैं नया बर्गर कैसे खरीदूंगा आओ फ्रैंकलिन तुम तो कितने ज्यादा गरीब हो तुम्हारे पास बर्गर खरीदने के पैसे नहीं है हा, हा, हा। अरे देखो तो सर ये लोग कितने ज्यादा गरीब है एक बर्गर के लिए लड़ रहे अरे कौन है अरे मुझे क्यों मार रहे हो अबे काले लड़के मैं कुछ भी कर सकता हूँ क्योंकि मैं अमीर हूँ और तू गरीब हमने देखा तुम एक बर्गर के लिए कैसे लड़ रहे थे हा 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 तुम्हारे पास इतना पैसा भी नहीं है कि तुम एक बर्गर खरीद पाओ बेबी तुमने बिल्कुल सही कहा ये लोग तो बहुत ही ज्यादा गरीब है अरे वो अंकल आंटी ज्यादा बोल रहे हो क्या बताओ क्या आपको आपको नहीं छोड़ूंगा अरे रुक रुक जा जा गुस्सा मत कर लड़के तूने मेरी गर्लफ्रेंड को टच कैसे किया, अरे मैंने किया? ए मेरी मेरे पास अरे क्या कब से गरीब करीब लगा है कितना पैसे तुम्हारे पास बताओ अभी अभी लाता हूँ अरे बच्चे मजाक मत कर मेरे पास जितना पैसा है उतनी तो तुझे गिनती भी नहीं आती होगी भी आपको बताओ तो सही आपके पास जितना पैसा होगा उससे दस गुना पैसा आपके पास लेकर आएंगे अब शंचन ये क्या बोल रहा है क्या दस गुना नहीं हो सकता मेरी बात सुनो इनके पास जितना पैसा है उससे दस गुना तुम पैसे लेकर आओगे एक काले लड़के मैं तुमसे शादी करूंगी क्या मुझे तुमसे शादी नहीं करनी तेरे वेकी में कर लो कर लो मजा आएगा अबे क्या मजा आएगा इसके पास कितना पैसा होगा मुझे क्या पता रही है तुम क्या कर रही हो इन्हें क्यों बता रही हो द द द दस मिलियन डॉलर हा, हा, हा। आया ना मजा तुम इतना पैसा कभी नहीं कमा पाओगे मैंने अपनी जिंदगी भर की मेहनत करके इतना पैसा कमाया है और तुम तो बहुत ही गरीब हो तुम्हारे पास तो दस रूपए भी नहीं है अरे अंकल आप देखना फ्रंकल भैया आपको दस मिलियन का दस गुना कमा के दिखाएंगे यानी सौ मिलियन डॉलर क्या सौ मिलियन ऐसा नहीं हो सकता कभी नहीं सौ सालों में भी नहीं अरे बेकी भैया ये आपको गरीब बोल रहा है कुछ तो करो रुक जा चैन अब मुझे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ चुका है अंकल मेरी बात सुनो मुझे ये चैलेंज एक्सेप्टेड है आपके पास है दस मिलियन डॉलर्स और मैं उसका दस गुना यानी वन हंड्रेड मिलियन डॉलर दिखाऊंगा और आपको पूरी की पूरी जिंदगी लग गई मैं सिर्फ बीस मिनट के अंदर वन हंड्रेड मिलियन डॉलर कमाने वाला हूँ और बच्चे मजाक मत कर कौन सा नशा करके आए मैंने कोई नशा नहीं किया अब आप देखना वन मिलियन डॉलर बीस मिनट में आपके पास होंगे मेरी बात सुनो पहले लड़के अगर तुम सही में 20 मिनट में 100 मिलियन डॉलर्स लाते हो तो मैं तुमसे शादी जरूर करूंगी और ये तुम क्या बोल रही हो तुम तो मेरी गर्लफ्रेंड हो मुझे चैलेंज मंजूर है 20 मिनट में 100 मिलियन डॉलर्स शिजन मैंने यहाँ पर चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है बताओ क्या करें अरे तुम्हें तो चूक करना है जल्दी

अब देखते टी ओ एस ई सी और यू और आर भी यहाँ पर करना है और कैसर ये आप देख सकते हो हमें पर मिल चुके हैं अरे ये क्या इसने तो ये एटीएम लूट लिया अभी पुलिस को बुलाता हूँ अरे नहीं 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 पुलिस को मत बुलाना रुक जा ऐसे तैसे ये इसको भी हमने खतरनाक पर मार दिया है

लो। मुझे मत मानना मुझे मत मानना मैं आपको मारूंगा नहीं जल्दी जल्दी पैसा खाली करो जितना पैसा है आपके पास मुझे दे दो ब्रेकिंग न्यूज लॉसेंटोस की सबसे बड़ी खबर अरे क्या चल रहा है लॉस लॉसेंटोस में ब्रेकिंग छोड़ दो

पर हमें रास्ता ढूंढना पड़ेगा आगे जाने का लॉस सेंटोस वासियो मैं आपका प्रेसिडेंट आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं। इस मीटिंग में आने के लिए लॉस सेंटोस वासियो को मैंने 100 बिलियन डॉलर्स डोनेट करने का वादा किया था और वो मैं अभी करने वाला हूँ तो वो सारे के सारे पैसे मैं देता हूँ लॉस सेंटोस पेट एनिमल केयर में जहाँ पर वो सारे के सारे एनिमल्स की सेवा और रक्षा करते हैं तो सारा पैसा होता है

क्या कर रहे हो मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ चुपचाप मेरे साथ चलो कुछ भी इधर उधर करने की कोशिश करी तो सबको गोली मार दूंगा आते जाओ आते जाओ जाओ प्रेसिडेंट पुलिस वालों कुछ भी करने का मत सोचना वरना इस प्रेसिडेंट का सर खोल दूंगा मैं अरे लड़के तुम ये बिल्कुल भी सही नहीं कर रहे मैं लॉस सेंटोस का प्रेसिडेंट हूँ अरे हाँ मुझे पता है तभी तो तुम्हें पकड़ा है आते जाओ आते जाओ चुपचाप आते जाओ बिना रुके आते जाओ आते जाओ वरना सीधा मार दूंगा तू तैयार तो है ना बिल्कुल तैयार हूँ पुलिस वाले

गाड़ी तो ढंग से चलाओ तुम से अच्छी गाड़ी तो टैक्सी ड्राइवर चलाता है मुझे टैक्सी ड्राइवर बोला लगता है इसको गोली मारनी पड़ेगी नहीं 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 मजाक करो मजाक करो चलो चलो में, अब हम इसका क्या करेंगे मैं बताता हूं, इस प्रेसिडेंट से हम कमाने वाले वन हंड्रेड मिलियन डॉलर तो कै सर अभी आप देख सकते हो इस प्रेसिडेंट को मैंने पकड़ लिया एक सीक्रेट गैराज में इधर का रास्ता किसी को नहीं पता हम हम करेंगे क्या अभी बताता हूँ प्रेसिडेंट सर मेरी बात सुनो मुझे चाहिए 100 मिलियन डॉलर्स आप जल्दी जल्दी अपने दोस्त को अपनी बेटी को जिसको फोन करना है करो यहाँ पर मुझे 100 मिलियन डॉलर्स कैसे भी करके चाहिए मैं मंगवा दूंगा मैं सारे पैसे मंगवा दूंगा बस मुझे कुछ मत करना अरे हम आपको क्यों कुछ करेंगे आप बस पैसे मंगवाओ और हम आपको भेज देंगे और याद रखना उनको बोल देना कोई पुलिस पुलिस यहाँ पर नहीं आनी चाहिए ओके ओके सिंजन तू फोन पे बात करवा मैं बाहर देख कर आता हूँ हेलो मुझे चाहिए वन हंड्रेड मिलियन डॉलर इस एड्रेस पर और याद रखना कोई पुलिस नहीं आनी चाहिए कोई भी तो कैसे मुझे लगता है यहाँ पर प्रेसिडेंट सर ने बिल्कुल ढंग से बता दिया कि हमें क्या करना है और मैं यहाँ पर ध्यान रखूंगा कि कुछ खतरनाक तो नहीं हो रहा मुझे लगता है यहाँ पर किसी को भी शक होगा इस कार शोरूम के अंदर प्रेसिडेंट को हमने किडनैप कर रखा है ऑर्डर कर दिया थोड़ी देर में वो आते होंगे बहुत बढ़िया तुम कैसर मुझे लगा था मुझे यहाँ पर टोटल 20 मिनट चाहिए होंगे 100 मिलियन डॉलर्स कमाने के लिए पर ये चैलेंज तो बहुत ही ज्यादा इजी था अभी बस दो मिनट के अंदर सारा पैसा आएगा और हम ये खतरनाक सा चैलेंज यहाँ पर जीतने वाले हैं रुक जाओ मुझे लगता है कोई आ गया तो तुम आप देख सकते हो यहाँ पर एक पूरा का पूरा ट्रक आ चुका है मुझे लगता है इसमें सारा का सारा पैसा होने वाला है सिज्जय तू जाकर ट्रक लेके आ मैं यहाँ पर देखता हूँ की कोई कुछ कर तो नहीं रहा वेकि भैया अभी लेकर आता हूँ मेरे वेकी मैं अंदर आ आता जा, आता जा, आने दो बिल्कुल सीधा सीधा आने दो कोई दिक्कत नहीं आने दो आने दो आने दो और कैसे आप देख सकते हो ये ट्रक क्या पर अंदर आ चुका है फटाफट से इसको खोलते बहुत सारा पैसा मिलने वाला है ये ले खुल जा, सिप सिम। हेलने की कोशिश मत करना अरे ये, 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 ये आ गया कौज जल्दी से प्रेसिडेंट सर को बचाओ और तुम तो हिलना मत अरे ये क्या हो गया मेरे साथ स्कैम हो गया प्रेसिडेंट सर आप ठीक तो है ना हाँ मैं तो ठीक हूँ पर इसको जेल में डालो फ्रैंकलिन प्रेसिडेंट को किडनैप करने के में हम तुम्हें अरेस्ट कर दे जेल में डालो और इस बच्चे को भी अरे मैंने क्या किया तुमने भी फ्रैंकलिन का पूरा साथ दिया था यू बोथ आर अंडर अरेस्ट अरे ये क्या हो गया ए फ्यू मोमेंट्स लु कहीं सर अभी आप देख सकते हो मैं तो प्रिज़न में आ चुका हूँ मैंने ये तो कभी नहीं सोचा था अरे बच्चे यहाँ पर कोई सोच कर नहीं आता पर जो आ जाता है वो कभी बाहर नहीं जाता चल चुपचाप अंदर अरे सर अरे चारोरी में आपने ये क्या कर दिया आपने तो हमें जेल में डलवा दिया अबे शिचन मुझे तो ना पता था पुलिस ऐसे पकड़ के जेल में डाल देगी यहाँ तो बहुत ही खतरनाक है अरे बुढ़ो लोग देखो देखो नया चूजा आया है मेरे अंकल कैसे हो मेरा नाम है सिंच साल है और बड़ो मैंने तो तेरी उम्र का पूछी फालतू फालतू बोलता है अंकल अंकल मैंने बहुत दिनों से किसी को नहीं मारा आज मैं तुझे मारने वाला हूँ मुझे बचाओ कौन से फ्रैंकलिन भैया तुझे कोई नहीं बचाने वाला अबे तेरी तो सिंह को छोड़ दे निकल या जाए और मुझे मारा बॉयज मारो इसको इसने मुझे कैसे मार दिया अरे ये सब लोग से आ गए अरे बड़ू तूने हमारे बॉस को मार के गलती कर दी अब तू नहीं बचेगा मारो इसको नहीं 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 तुम्हारी ऐसी की तैसी निकलो यहाँ से तुम में से किसी को भी नहीं छोड़ने वाला तुम भी निकल अबे टोपी तू भी निकल और टकले तू क्या देख रहे सब के सब निकलो यहाँ पर मैं किसी को भी नहीं छोड़ने वाला रुक जाओ ये गन किसकी है आ, ये किसकी यहाँ पर मुझे गन मिल चुकी है मैं इधर किसी को नहीं छोड़ने वाला ये ले। मुझे मारेगा मुझे मारेगा कौन मारेगा आ जाओ आ जाओ कौन मारेगा अरे पेकी भी बे, बस बस रुक जाओ सब मर गए अरे अरे ये कौन आया है मैं भी तो देखूं। अरे मेरी पेकी वापस से पुलिस आ गई हम और सालों के लिए जेल में जाएंगे और अब बच्चे तुम डरो मत तुम और जेल में नहीं जाने वाले मैं इस प्रिजन में दस सालों से हूँ और आज तक मैंने ऐसा जवान नहीं देखा जिसने अकेले अकेले टिल्लू गैंग को खत्म कर दिया क्या ये टिल्लू गैंग थी हाँ ये टिल्लू गैंग थी पर बच्चे तुम मेरी बात सुनो तुम मुझे बहुत ही खतरनाक लगे तुम इस जेल में क्यों आए हो अरे मैंने प्रेसिडेंट का किडनैप किया था क्योंकि मुझे पैसे चाहिए थे ओ अच्छा पैसे चाहिए थे कितने पैसे मुझे मुझे चाहिए वन हंड्रेड मिलियन डॉलर क्या वन हंड्रेड मिलियन मेरी बात सुनो मेरे पास एक प्लान है अगर तुम मुझे इस जेल में से बाहर निकालते हो तो मैं तुम्हें मिलियन तुम्हे दूंगा अरे तुम ये क्या बात कर रहे हो आसपास पुलिस वाले अरे बच्चे तुम टेंशन मत लो इन दोनों पुलिस वालों को मैंने खरीद रखा है ये किसी को कुछ नहीं करेंगे ये हमारी मदद भी करेंगे यहाँ से निकलने में क्या सही में पुलिस वालों को खरीद रखा है मुझे लगता है इनके बहुत सारे पैसे हैं। बच्चे मेरे पास बहुत सारा पैसा है वो मैं तुम्हें भी दे सकता हूँ मुझे इस जेल से बाहर निकालना पड़ेगा अरे ये तो बहुत इजी है इन पुलिस वालों से चाबी लो और बाहर निकल जाओ और बच्चे, ऐसे काम नहीं चलता। इस पूरे प्रिजन में एक हजार पुलिस वाले उनसे बचते बचाते हमें जाना पड़ेगा क्या एक हजार पुलिस वाले अरे उनसे कैसे बचेंगे बच्चे मेरे पास एक आईडिया है मेरा एक आदमी बाहर एक खतरनाक से टैंक के साथ रहेगा अगर तुम कैसे भी करके बाहर पहुंच जाते हो उस टैंक को लेकर प्रिजन के अंदर आना सारे पुलिस वालों को मारकर मुझे यहां से लेकर जाना ये प्लान बहुत ही ज्यादा बढ़िया है पर रिस्की भी है अगर तुम बाहर जाते जाते पकड़े गए तो मैं तुम्हें नहीं जानता तुम मुझे नहीं जानते और अगर ये तुमने सारा का सारा काम कर दिया वन मिलियन डॉलर तुम्हें मिलने वाले हैं। अरे बेकी ये तो...

हंड्रेड मिलियन डॉलर के लिए हमें उस अंकल को इस जेल से बाहर निकालना है बस मुझे यहाँ से एक बार निकलना है क्योंकि कैसे एक बार में निकल गया तो मुझे वो टैंक मिल जाएगा और टैंक से मैं सारे के सारे पुलिस वालों को मारने वाला हूँ तो फटाफट से यहाँ से बाहर निकलते हैं तो कह सामने मुझे गेट दिखाई दे रहे हैं पर उस तरफ कोई गेट वेट नहीं है मैं बाहर कैसे निकलूंगा मुझे समझ नहीं रहा पर कैसे मुझे रिस्क तो लेना पड़ेगा आ, मुझे बचाओ मैं से क्यों गिर गया यहाँ से रास्ता था मैं डायरेक्ट आ सकता था पता नहीं मैं क्यों नीचे

मैं सरेंडर करता हूँ मैं सरेंडर कर रहा हूँ मुझे गोली मत मारना चुपचाप इधर आकर खड़े हो

एस्केप ही लिए पर मेरे दोस्तों को मतलब को और उन अंकल को बाहर में से पुलिस वालों को यहाँ पर मारना पड़ेगा एक को भी हम नहीं छोड़ने वाले तुम्हारी ऐसे की तैसे ये लो मुझे जल्दी से जल्दी सिंचैन और अंकल को ढूंढना पड़ेगा रुक जाओ ये लोग वहीं पर खड़े जल्दी आओ मैं आ गया अरे ये क्या तुम तो सही में आ गए

पुलिस आ रही है, भगाओ, भगाओ, अरे आप टेंशन क्यों ले रहे हो रुक जाओ, सारे पुलिस वालों को अपन मार देते हैं तो गाइस और अभी आप देख सकते हो अंकल और प्रिजन से हम बहुत ही ज्यादा दूर आ चुके हैं और इन पुलिस वालों की बैंड बजाते बजाते हम लोग जाने वाले सीक्रेट जगह पर जहाँ पर हमें कोई नहीं ढूंढ पाएगा और गायसर आप देख सकते हो अभी हम बढ़िया सी सेफ जगह पर आ चुके आ जाओ अंकल बच्चे बहुत बढ़िया मैंने नहीं सोचा था तुम ये कर पाओगे पर तुमने कर दिखाया अरे अंकल मुझे जल्दी से पैसे दो मेरे पास टाइम बहुत ही कम है मेरे मिनट जाने वाले हैं। अरे बच्चे पैसा तो पूरा तैयार है वो देखो वन हंड्रेड मिलियन डॉलर कैश और काइजर आप देख सकते हो बड़े बड़े ब्रीफ केस भर कर यहाँ पर सारा का सारा पैसा यहाँ पर पड़ा है एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह चौदह ब्रीफ केस भर कर पर पूरा का पैसा है $100 million. आ, क्या हमने को टाइम है कंप्लीट किया हाँ हमने इस चैलेंज को बिल्कुल यहाँ पर कंप्लीट कर दिया आप देख सकते हो हमने कमा लिए मतलब कम हम मतलब चुका है और अब हम भी बन चुके हैं बहुत ही ज्यादा अमीर तो सर अभी मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया इंसान से मिला वाला और वैसे मैंने यहाँ पर ये नया घर भी खरीद लिया तो आप मेरे लिए हमारे नए नए नौकर जी से जो कि याद होंगे मुझे बोला था की दस मिलियन क्या दस रुपए भी नहीं कमा सकता और अभी फिलहाल ये मेरे लिए यहाँ पर गाड़ी साफ कर रहे हैं और ये वो दीदी जिन्होंने बोला था अगर मैंने वन मिलियन डॉलर कमा लिए तो ये मेरे से शादी करेगी तुम तो मेरे साथ शादी करोगी पर मुझे तुमसे शादी नहीं करनी निकल यहाँ से क्योंकि कहे इसने मुझे भी बहुत ही ज्यादा बोला था कि गरीब है ये है वो है तो इसलिए इसको तो हमने मार दिया आप फटाफट से गाड़ी साफ करते रहो और कह हमारी गाड़ियों का कलेक्शन तो आप देख ही सकते हो कितना ज्यादा खतरनाक हो चुका है और ये सारी की सारी गाड़ियान ने खरीदी है मैंने तो देखी भी नहीं थी सिंचैन ने यहाँ पर बहुत ही अच्छी अच्छी गाड़िया यहाँ पर खरीद ली है मैं तो कहे सर फटाफट से कमेंट करके बताना आपको हमारी गाड़ियों का कलेक्शन